अगला है, इफ ए चाइल्ड ऑफ डी डिड समथिंग रॉन्ग कॉमा एज देयर काउंसलर कॉमा यू कुड टेक अवे देयर प्रिविलेजेस, ठीक है, एंड एक्सप्लेन दैट दे हैव बिटेड द ट्रस्ट दैट हैड बीन प्लेस्ड इन दैम। तो पांच ऑप्शन हैं, ठीक है, आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी एंड ऑप्शन ई। तो पांच ऑप्शन हैं, चले चार से चार सही, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है, देखें मैं बोलता हूँ आप सुने, इफ ए चाइल्ड डिड समथिंग रॉन्ग, ठीक है, चलते जाएं, एज देयर, ये पोजेसिव है, देयर इज अ पोजेसिव और ये जो है सिंगुलर है, ठीक है, यानी ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है। काउंसलर आगे चलते हैं, यू कुड टेक अवे देयर प्रिविलेज, देयर फिर आ गया पोजेशन, आई एम सॉरी, अब देयर आ गया, ये देयर जो प्लूरल है और ये चाइल्ड सिंगुलर है, फिर आगे चलते हैं प्रिविलेज एंड एक्सप्लेन दैट दे, ये भी प्लूरल है। तो जब इसके जो ऑब्जेक्टिव केस हैं वो प्लूरल में होगा तो सब्जेक्टिव केस भी प्लूरल में आएगा, यानी इफ चिल्ड्रन, ठीक है, इफ चिल्ड्रन, क्योंकि देयर है, ठीक है, फिर देयर है ये वाला और फिर दे है, तो अगर तीनों प्लूरल हैं ये और उसके बाद जो ये है, यानी ये और ये प्लूरल है, तो ये चाइल्ड जो है ये सिंगुलर नहीं आएगा, ये प्लूरल आएगा, इफ चिल्ड्रन आएगा, ए इज अवर आंसर, ए शुड बी अवर आंसर।